IIC पटरंगा से मैं मोहम्मद अनस आपके लिए टेंस लेकर हाजिर हूँ। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सीखेंगे। तो हम कैसे जानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते है। इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए अब इसका रूल जान लेते हैं कि इसमें क्या लगाया जाएगा। रूल नंबर 1, ही, शी, इट था सिंगुलर होने पर एस या यस जोड़ लेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्लूरल का और ये सिंगुलर का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ही शी इट तथा सिंगुलर होने पर एस या यस जोड़ लेंगे। स्ट्रक्चर प्लूरल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंगुलर का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। और एक वो जाता है, ही गोस मैं खाना
खाता। आई ईट फूड। हो जाता है ही गोज मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड। एक और उदाहरण देख लेते हैं। वे स्कूल जाते हैं। दे गो। क्योंकि ये प्लूरल है तो एस आई एस नहीं लगेगा। टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।